प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे और अध्ययन करेंगे आदिकाल का नामकरण। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल जाना जाता है और इस आदिकाल का विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से नामकरण किया है। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य कई विद्वानों ने किया है, लेकिन प्रारंभिक विद्वानों ने केवल हिंदी साहित्य के कवियों का संकलन किया है और उन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों का कोई नामकरण नहीं किया। लेकिन उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों ने विभिन्न कालखंडों का नामकरण किया है। इसी तरीके से आदिकाल का भी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है और नामकरण पर एक मत नहीं होने के कारण हिंदी साहित्य का आदिकाल का नामकरण विवादास्पद है। सबसे पहले काल विभाजन करके उनका समुचित नामकरण करने का प्रथम प्रयास करने वाले गिरियसनी हैं, जिन्होंने इससे प्रारंभिक काल की सीमाएं सन 643 ईस्वी से स्वीकार करते हुए इस कालखंड का नाम चारण काल दिया है। सबसे पहले हम आदिकाल के नामकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आते हैं हम मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा। इन्होंने इस कालखंड का नाम आरंभिक काल दिया है। इस नाम के पीछे मिश्र बंधुओं ने कोई आधार नहीं बताया है। इस नामकरण के पीछे हिंदी भाषा को उन्होंने अवश्य ध्यान में रखा है, इसलिए अध्यायों के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक हिंदी के कारण इसे दो नामों से पूर्व प्रारंभिक हिंदी और उत्तर आरंभिक हिंदी नाम दिए गए हैं। किंतु इन नामों से आदिकाल के लिए कोई उपयुक्त नाम नहीं निकलता है। वर्तमान में स्वीकृत आदिकाल के नाम की छाया हम चाहे तो प्रारंभिक काल नाम में देख सकते हैं, लेकिन मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया नाम आरंभिक काल समीचीन नहीं। दूसरे विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल नाम से जाना है और उसकी पूर्वापर सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी स्वीकार किया। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण के संबंध में आधारभूत चिंतन प्रस्तुत किया। उन्होंने उस समय के जो साहित्य है उस साहित्य में वीरतापूर्ण रचनाएं अधिक थी और वीरतापूर्ण रचनाएं अधिक होने के कारण इस कालखंड को वीर गाथा काल के नाम से जाना है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का आभास नहीं होता है। बाद में धर्म नीति श्रृंगार वीर सब प्रकार की रचनाएं उन ग्रंथों में मिलती है और बाद में हम देखते हैं कि राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते हैं। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनता की चितवृत्तियों और कवियों की मनोवृत्तियों के आधार पर ही शुक्ल ने इस कालखंड का नाम वीर गाथा काल दिया है। इसमें कुछ सच्चाई तथा तर्क का आधार होते हुए भी इसकी परिधि संकीर्ण रह जाती है। परिधि संकीर्ण रह जाने का कारण यह है
कि इसमें केवल वीरतापूर्ण साहित्य को ही समाहित किया है और दूसरा जो साहित्य है उस साहित्य की उपेक्षा की गई। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर इस कालखंड का नामकरण वीर गाथा काल किया है, इनमें कुछ ग्रंथ शुक्ल जी के नामकरण के दायरे में नहीं आते। ये 12 ग्रंथ इस प्रकार हैं: खुमांड रासो, दलपत विजय द्वारा लिखा गया खुमांड रासो, नरपति नाला द्वारा लिखा गया विशलदेव रासो, चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो, भट्ट केदार द्वारा लिखा गया जयचंद प्रकाश, मधुकर कवि द्वारा लिखा गया जय मयंक जस चंद्रिका, जगनिक द्वारा रचा गया परमाल रासो, अमीर खुसरो द्वारा रचित खुसरो की पहेलियां, विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली, नल सिंह भट्टकृत विजयपाल रासो, सारंगधर द्वारा रचित हमीर रासो, विद्यापति के द्वारा रचित कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इन 12 रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नामकरण उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वीर गाथा काल नामकरण के कारण 8वीं सदी से प्रारंभ हुआ महत्वपूर्ण साहित्य इस परिधि में नहीं समाहित हो सकता। इनमें अंतिम 4 रचनाएं तो अपभ्रंश की है, ऐसा करने से समस्त अपभ्रंश साहित्य को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। खुसरो और विद्यापति के साहित्य में वीर गाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं किया जा सकता। शुक्ल जी ने जिन रासो काव्यों को वीर गाथात्मक माना है उनका उपलब्ध रूप अप्रमाणिक है तथा वे प्रवृत्ति काल की रचनाएं सिद्ध की जा रही। शुक्ल जी ने स्वयं इस काल की प्राप्त सामग्री को संदिग्ध बताया। इन रचनाओं में सिद्धों, नाथों और जैन कवियों की रचनाओं को स्थान नहीं दिया गया है। सिद्धों और नाथों का काव्य हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप को प्रकट करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में रचा गया पृथ्वीराज रासो भी अर्ध ऐतिहासिक काव्य है, जिनका रचना काल भी विवादास्पद है। ऐसी स्थिति में वीर गाथा की प्रमुख कृति भी इस सूची में से निकाली जा सकती है। शुक्ल जी ने स्वयं विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पता का रचना काल संवत 1640 स्वीकार किया है, जो वीर गाथा काल की अंतिम सीमा 1375 के बाहर चला जाता है। विशलदेव रासो वीर गाथात्मक काव्य न होकर एक श्रृंगारिक विरह काव्य है, अतः इसकी गणना शुक्ल जी की प्रवृत्ति वाली कसौटी पर भी इस नाम के अंतर्गत नहीं आ सकती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि शुक्ल जी ने इस कालखंड को वीर गाथा काल नाम देकर काम चलाया था, वे स्वयं इस नामकरण से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित नाम वीर गाथा काल इस काल की साहित्यिक उपलब्धियों का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता था। तीसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को शुरुआती काल को बीज वपन काल दिया है। ये नाम भी भ्रमपूर्ण है, ऐसा लगता है मानो हिंदी साहित्य का प्रारंभ ही यहाँ से शुरू हुआ है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि ये साहित्यिक परंपरा एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है और उस परंपरा का विकास मात्र है। इस काल के कवि और साहित्यकार कोई नवीन नहीं थे, अपितु उनकी कला प्रौढ़ और विकसित है। अतः महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया बीज वपन काल भी समीचीन नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिन्होंने इस कालखंड को चारण काल नाम दिया है, उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में संवत 1000 से 1375 विक्रमी तक के काल को चारण काल नाम दिया है। उनकी ये मान्यता है कि इस काल के अधिकांश कवि चारण थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस आधार पर इस काल को चारण काल नाम दिया, जबकि इस काल के कवियों में चारण कवियों की संख्या नगण्य। स्वयं
डॉक्टर वर्मा ने अपने ग्रंथ में चारण कवियों का विवरण स्पष्ट रूप से नहीं किया। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने इस कालखंड को सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना है। इस कालखंड की पूर्वापर सीमाएं 8वीं सदी से 13वीं शताब्दी तक मानी जाती है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इस काल में सिद्धों की वाणियां और सामंतों की स्तुतियां ये दो ही प्रमुख प्रवृत्तियां रही है और इसी कारण से इसका नाम सिद्ध सामंत काल दिया। सिद्धों की वाणियां निवृत्ति मूलक रुक्ष तथा उपदेश मूलक है जिनमें जैन कवियों की आध्यात्मिकता और धार्मिकता को नहीं मिलाया जा सकता। सिद्ध सामंत युग नाम से भी इस काल के साहित्य का व्यापक बोध नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नामकरण सिद्ध सामंत काल भी समीचीन नहीं है, उपयुक्त नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस कालखंड का नाम प्रारंभिक काल दिया है, वह भी उचित नहीं। अंत में हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के शुरुआती काल का नाम आदिकाल रखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिए गए नामकरण वीर गाथा काल से सहमत नहीं। वे धार्मिक रचनाओं को भी साहित्य का अंग मानते हैं। जिन रचनाओं को शुक्ल जी ने धार्मिक और सांप्रदायिक कहकर छोड़ दिया था, द्विवेदी जी उन रचनाओं को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। शुक्ल जी की मान्यता सर्वमान्य नहीं हो सकती। यदि धार्मिक रचनाओं के साहित्य के तत्व नहीं हो सकते तो हिंदी का समस्त भक्ति काल हिंदी साहित्य से निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस काव्य का सीधा सीधा संबंध धर्म से है, भक्ति से है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में वीर गाथाओं से इतर काव्य भी जनता की चित्तवृत्ति का परीक्षा एक, जिसकी इस काल के साहित्य का नामकरण करते समय उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर साहित्य के किसी कालखंड का नामकरण ठीक नहीं समझते थे। मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया आरंभिक काल को आदिकाल के नाम से प्रचलित करने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि वास्तव में हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा पैदा करता है और श्रोता के मन में ये भाव पैदा करता है कि ये काल कोई आदिम मनोभावोपन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। ये ठीक नहीं है। इस प्रकार के ये विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए नामकरण की जब हम नामकरण पर जब हम निष्कर्ष रूप में पहुंचते हैं तो उपरोक्त जो विवेचन है इससे ये स्पष्ट होता है कि इस काल के लिए प्रस्तुत किए गए अनेक नामों में से आदिकाल अधिक संगत और सर्व स्वीकृत हो सकता है। सभी इतिहासकारों ने आदिकाल नाम को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण के संबंध में विद्वानों की अलग अलग राय है और आदिकाल का जो नामकरण की दृष्टि से हम देखें तो आदिकाल का नामकरण विवादास्पद नजर आता है। धन्यवाद।